ये भी एक ख़ानदानी लोग होते हैं, अमीर लोग आके इनको यूज़ करते हैं, ये भी एक नशा है जवानी में, ये भी एक नशा है। अगर हम गरीब घराने के होते तो आज भीख मांगते। वेलकम टू सोशल। जब से हीरा मंडी रिलीज हुई है तब से सभी सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई सीरीज में दिखाए गए वर्ल्ड और उससे रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है। इस वीडियो में हम आपको हीरा मंडी की रियल हिस्ट्री और उससे रिलेटेड अननोन फैक्ट्स बताएंगे। नॉट ओनली दिस, वी विल ऑल्सो डिस्कस इफ द शो इज हिस्टोरिकली एक्यूरेट और नॉट, जहाँ हम आपको उसकी ट्रू स्टोरी बताएंगे और उसके साथ वी विल टेल यू अबाउट हाउ द वेब सीरीज वॉज मेड। सो बेसिकली हम रियल वर्सेज रियल दोनों वर्जन्स को कवर करेंगे। ये एक फुली रिसर्च बेस्ड वीडियो होने वाली है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवायफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हीरा मंडी की रियल हिस्ट्री। ये एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौर सिटी में, जिसे सबसे पहले मुगल एरा में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि मुगल कोर्ट की तवायफ वहाँ पर रह सके। इसे तब शाही मोहल्ले के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसी जगह बन गई थी जो कि अपने म्यूजिक और पोएट्री के लिए जानी जाती थी। ओवर द सेंचुरीज इस जगह ने काफी डेवलपमेंट देखी, स्पेशली अंडर द किंग महाराजा रंजीत सिंह। It is believed that he was in love with the Tawaiyaf and later they even got married. उसके बाद हीरा सिंह डोगरा ने यहाँ पर एक मार्केट एस्टैब्लिश की और तभी से इसका नाम हीरा की मंडी यानी हीरा मंडी पड़ गया था। However, कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि इसका नाम हीरा मंडी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर हीरा यानी डायमंड्स का बिजनेस होता था। ऐसा ही कुछ हमें सीरीज में भी देखने को मिलता है, where the Nawabs give diamonds to Tawaiyafs as gifts. महाराजा रंजीत सिंह और हीरा सिंह के रूल में हीरा मंडी काफी पॉपुलर हुआ था, जहां दूर दूर से लोग यहां पर बिजनेस करने और म्यूजिक सुनने के लिए आते थे। इट वॉज क्लेम्ड एज द हब ऑफ कल्चर एंड आर्ट। ये अपने गानों और नाच के लिए बहुत मशहूर था और यहां से ही कई रिनाउंड आर्टिस्ट ने म्यूजिक सीखा है। हीरा मंडी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज आया ब्रिटिशर्स के आने से। उन्होंने तवायफ कल्चर को पूरी तरह से बैन कर दिया था। उनको यहाँ के ट्रेडिशंस बिल्कुल भी समझ नहीं आए, as they thought it was just a place for entertainment. इसीलिए उन्होंने इसे एक ब्रोथल में कन्वर्ट कर दिया and forced तवायफ into prostitution. ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हीरा मंडी की औरतों ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उन्होंने अपने घरों में फ्रीडम फाइटर्स को छुपने की जगह दी थी और फ्रीडम मूवमेंट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कंट्रीब्यूट किए थे। इनफैक्ट एक अजीजा बाई नाम की एक तवायफ थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन ऑर्गेनाइज की थी और इसी वजह से उन्हें बाद में मार दिया गया था। इट इज सेड दैट द कैरेक्टर ऑफ अदिति राव हैदरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अजीजा बाई, सो दिस कैरेक्टर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। पार्टीशन के बाद हीरा मंडी आज पाकिस्तान में है और अब इसे एक रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर पूरे दिन बहुत बड़ा बाजार लगता है और रात होते ही इट टर्न्स इनटू अ ब्रोथल। इधर रहने वाली औरतों को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता और एक तरह से ना ही उनके कोई सिविल राइट्स हैं। वी फाउंड अ डॉक्यूमेंट्री दैट डिपिक्ट्स द हार्श रियलिटी ऑफ वुमेन लिविंग इन हीरा मंडी नाउ। शाहनूर स्टूडियो से ही ना ऐसे बाहर आ रहे थे तो उन लोगों ने मुझे उठा लिया, उठा के ले गए। मुझे बहुत मारा उन्होंने, इतना मारा कि मेरे पूरे जिस्म जो था ना छाननी छाननी हो गया। और बाद में उन्होंने उस तरह निकाला, मुझे यहाँ पे मारने लगे। मैंने जो हाथ किया वो मेरे इधर लग गए। Now let's move away from the reality. अब डिस्कस करते हैं वेब सीरीज हीरा मंडी के मेकिंग से जुड़े फैक्ट्स। सीरीज में जो हमें हीरा मंडी देखने को मिलती है वो काफी अलग है असली हीरा मंडी से। इसी वजह से कई हिस्टोरियंस ने कहा है कि शो में दिखाई गई चीजें काफी एग्जैजरेटेड है। कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेंट की है कि संजय लीला भंसाली ने तवायफ के लाइफस्टाइल को बहुत ही ग्लैमराइज तरह से दिखाया है, जबकि रियलिटी में उनकी लाइफ इतनी लग्जूरियस नहीं थी। वेल, वी नो द सीरीज इज हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट, बट वी वुड लाइक टू डिफेंड भंसाली हियर बिकॉज एज अ फिल्म मेकर वो हमेशा से ऐसा सिनेमा बनाने में बिलीव करते हैं जो कि हिस्ट्री को एक फिक्शनलाइज्ड वे में प्रेजेंट करता है, एंड ही नेवर क्लेम्स दैट हिज सिनेमा इज अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ रियलिटी। Said, when will Sanju Bansali now finally leave the brothels and come out and make something else, which is also very interesting. We are looking at it. It's all a part criticism is very wonderful. So I'm always with the story that touches me. I don't care if people get mad at me or they don't get mad.
भंसाली अराउंड 18 ईयर्स से हीरा मंडी को बनाना चाहते थे। ये उनका पैशन प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू वो इंडियन ऑडियंसेस को तवायफ कल्चर के बारे में बताना चाहते थे। He was completely against the way popular media shows the Tawaifs with a derogatory lens. इसलिए वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो ऑडियंस को इस कल्चर के बारे में डिटेल में बताए। It tells you of the story of the courtesans pre-independence. They kept music and poetry and dance and the art of living. The politics within the courthouse and how to emerge as the winner. I hope it's a difficult one, but I hope we come across the flying colors this time. भंसाली ने सबसे पहले हीरा मंडी की स्क्रिप्ट ईयर 2006 में लिखी थी। तब इसे एक फिल्म के फॉर्मेट में लिखा गया था एंड ही हैड अप्रोच रेखा जी, करीना कपूर एंड रानी मुखर्जी फॉर द फिल्म। मगर बजट इश्यूज की वजह से फिल्म तब शुरू नहीं हो पाई थी। इट वाज ओनली इन ईयर 2019 व्हेन नेटफ्लिक्स अप्रोच्ड हिम एंड ही डिसाइडेड टू मेक इट एज अ सीरीज। उन्होंने पहले हीरा मंडी के लिए पाकिस्तानी एक्टर्स फवाद खान और माहिरा खान को अप्रोच किया था। He was also in talks with the famous actor Imran Abbas. In sare hi actors ko series ki script kafi achhi bhi lagi thi and they had agreed to be a part of it. Magar baad mein kuch political reasons ki wajah se Bhansali ko star cast change karni padi. This was 18 years ago. So at one point it was Rekha ji and Kareena and Kapoor and Rani Mukherjee and Chini. Another part. It was supposed to be a film. And then there was Mahira at one point of time, the Pakistani actor, and Imran Abbas and Fawad Khan and all that. But then it all moved and changed. भंसाली ने सीरीज के लिए काफी इन डेप्थ रिसर्च की थी 1930s के एरा के बारे में। उन्होंने नूरजहां और मुमताज शांति जैसे कई पॉपुलर आर्टिस्ट की लाइफ को स्टडी किया था ताकि वो अपने कैरेक्टर्स को एक रिलेटेबिलिटी दे पाए। ही डिजाइन्ड मोर देन 300 कॉस्ट्यूम्स एंड हैड मेड श्योर दैट एवरी कैरेक्टर लुक्स डिफरेंट एंड ईच कॉस्ट्यूम सिंबलाइजेस समथिंग। हीरा मंडी को बनाने में अराउंड 250 करोड़ तक का बजट स्पेंड हुआ है। दिस इज द मोस्ट फॉर एनी इंडियन वेब सीरीज एंड इवन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ भंसाली दिस इज द मोस्ट ही हैज स्पेंड ऑन एनी प्रोजेक्ट। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 250 करोड़ में से अराउंड 50 करोड़ तो सिर्फ भंसाली की डायरेक्शन फीस ही है। अब हीरा मंडी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है एंड पीपल हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट इट। सो यू टेल अस कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। वर यू एबल टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड दैट भंसाली ट्राइड टू शो। वी आर लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग आंसर्स, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।